पढ़ा तो कोई बीच बाजार में छेड़खानी कर रहा है। लड़का नहीं पढ़ने जा रहा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी के बदले, नौकरी के बदले हम अपना जमीन दे देंगे, तब सीबीआई ईडी छापा नहीं मरेगा। 100 सोनार का एक लोहार का पड़ता है, आने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात है, चीनी मिल था कितना चालू करवाया हमको बता दीजिए कि हाँ इतना चालू कर पाएंगे। मोदी की गारंटी पे भरोसा है आपको? बिल्कुल नहीं। आज 10 साल होने को है और 10 साल के कार्यकाल में आप देख रहे हैं, इन्होंने वादा किया था कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया ला करके देंगे। इन्होंने घोषणा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, लेकिन इन्होंने सारा झूठा धराशायी हो गया। और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का प्रभाव देख करके जो इन्होंने 17 महीने में पूरे बिहार में जो सरकारी नौकरी देने का काम किया, इन्होंने जो बांटने का काम किया नौकरी, उससे विचलित होकर के गठबंधन को तोड़वा दिया गया और तरह तरह के साजिश के तहत इन्हें फंसाने का साजिश रचा जा रहा है। आप मैडम देख रहे हैं कि ये न्यूज आप लोगों के चैनल के माध्यम से चल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो मंत्रालय जिनके पास था सिर्फ उन्हीं का जाँच हो रहा है। क्यों नहीं, हम लोग भी मांग करते हैं कि 2005 से आज तक चाहे वो जिस दल का मंत्रिमंडल में जिनके भी सरकार हो सबकी जांच होना चाहिए, न कि राष्ट्रीय जनता दल के सिर्फ नेताओं की जांच होनी चाहिए। यह सोची समझी साजिश है और इस बार जो है पूर्ण रूपेण से भाजपा यहां से मुक्त होगा और बिहार में जो हमारा जो महागठबंधन है ये निश्चित तौर पर वो 40 में 40 जीतेंगे। क्या बोलना चाह रही हैं आप? क्या बोल रहे हैं, महिला को जा रही है बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी जा रही है पढ़ने तब उसको मास्टर अथी कर रहे हैं, कोई जा रहा है लड़की पढ़ा तो कोई बीच बाजार में छेड़खानी कर रहा है। लड़का नहीं पढ़ने जा रहा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार कर रहे हैं, मोदी जी आए हैं और बोले हैं कि मतलब विकास की गारंटी दी है, भरोसा है मोदी जी पर? क्या दिया है, हम लोग को नहीं भरोसा है। अच्छा, हम लोग को 1% नहीं भरोसा है, सब करा के ये करेंगे वो करा, कुछ नहीं कर रहा है। गरीब को दम करा के हम उजाड़ देंगे, जो अमीर है उसको करा के बसाएंगे, यही उसका नियम है। जीत गया वे वोट एक दूसरे को लेकर बेच कर तो खरीद कर जीतता है। अच्छा, मोदी कोई अथुई नहीं है। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है, स्कूल जाती है। अच्छा। स्कूल में सरकारी स्कूल में बहुत व्यवस्था है, खाली खाने में मैडम सो रही है, कुछ नहीं बच्चा को पढ़ा लिखा रही है। मोदी क्या कर रहा है, चेकिंग कर रहा है कभी? अच्छा, ये सब बात के पाठक जब थे तब तो चेकिंग करा ही रहे थे? नहीं हो रहा है चेकिंग, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही, टीचर सारे स्कूल में? टीचर आ रहे हैं, यहाँ कर बैठ रहे हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, नहीं। कौन से क्लास में हो बाबू? बता दे, कौन से क्लास में? वन में हो। टीचर आती है स्कूल में तो क्या करते हैं? बोलते नहीं पढ़ाती है, बोल दो, बच्चा हल्ला करता है वरना। हाँ जी, बच्चा हल्ला करती है नहीं पढ़ाती है? बच्चा हल्ला कर रहा है तो कर रहा है, मैडम का कोई मतलब नहीं है, कोई रिक्स नहीं है, खाली रिक्स है कि बच्चा और जाए नहीं, बच्चा जा रहा है पढ़ने चल जा रहा है बाईपास घूमने। शिकायत आप लोग शिकायत कर रहा है बिहार सरकार के अंडर में ना, तो बिहार सरकार को ना बोलिएगा, तो बिहार सरकार के अंडर में नौकरी कर रहा है ना, टीचर है जो टीचर बिहार सरकार के अंडर में है ना। हाँ, मोदी दे रहा पैसा, दे रहा है ना केंद्र, पैसा दे रहा है, दोनों मिला के दे रहा है ना। हाँ, तो बिहार का नेता मंत्री इतना ही एक्टिव है तो काहे ना चेकिंग में भेजता है? इंडिया अलायंस का बात हुआ यहाँ, हाँ कितना पार्टी है उसमें बताए, कितना पार्टी है बताइए? हाँ, अरे अभी समाजवादी के जो अध्यक्ष है क्या नाम उनका, अरे उन एक्टर का नाम है, हाँ अखिलेश यादव, कांग्रेसिया को गरियाता है। अरे आपका एक जब एक साथ है, कांग्रेस है सीपीएम है सब पार्टी एक साथ है, तो आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कांग्रेस को गरियाते हैं, बोलते हैं इंडिया अलायंस एक साथ है और बीजेपी है अकेले। चोर नहीं है, चोर बोलने से नहीं होगा, नहीं बोलने से होगा, नहीं। ईडी सीबीआई छापा मार रहा है ना, सुनिए, नौकरी नहीं हो रहा है, नहीं, जगह जगह पर घुस है, पढ़ लिखकर महिला यहाँ पर घूम रही है रोड पर। मोदी बोल रहा है, अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी या तेजस्वी यादव? हम लोग का मोदी नहीं अच्छा लगता है, तेजस्वी यादव को जानती है? नहीं जानती, तेजस्वी यादव को जानती है? लालू यादव को जानती है? हाँ जानते हैं, उन्हीं का बेटा है ये। हाँ तो वो करेंगे ना, करेंगे तब वो ना जानेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे।
करेंगे काम। हम कह जा रहे हैं उनका मन का बात, जीत जो जीत जो जीत गए सो जाए कि सब हमारे राज है। नहीं हो रहा पब्लिसिटी का बात, यहाँ पब्लिसिटी का बातें नहीं हो रहा है। कैसे अपनी माँ को लाइन में खड़ा करा देगी, कैसे पब्लिसिटी का बात? सब लोग बोला ना, मतलब 70 साल राज किया, कांग्रेस लूटा, किसी का हिम्मत था? हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 70 साल लूटा कांग्रेस, क्या 70 साल लूटा? लूटा कितना आजाद के? 16 में नरेंद्र मोदी जी बोले आजादी के बाद हमने जितना नोट छापी मेरे पास 99.99% आ गया। कांग्रेस लूटा, आपको नोटबंदी के समय में दे दिया, अब दीजिए 15 लाख नौकरी हम देते हैं आपको। नहीं नौकरी दे रहे हैं, अब 15 लाख वाला फ्लैट में मेरा नाम लिख दीजिए, EDICB छपा नहीं मारेगा। नौकरी के बदले, नौकरी के बदले हम अपना जमीन दे देंगे, तब CBI ED छापा नहीं मरेगा। 100 सुनार का एक लोहार का पड़ता है, कर्मा कहीं नहीं जाता है, नहीं होता है। अरे नौकरी तभी मिलेगा हम लोग का जब एक फ्लैट लिख दे हम अपना, तभी नौकरी ले पाएंगे, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगा। ऐसे धान ली तो कौन बोला नहीं नौकरी हुआ बिहार में? मिला है नौकरी, मिला है, कहे नहीं मिला है, रेलवे मिला है, सबको मिला है। तो हाँ तो नौकरी दे रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, 2 बीघा लिख दो। आप बताइए, कह रहे हैं कि फ्लैट के बदले नौकरी मिल रही है, पूछिए कहाँ मिला है, किनको किनको फ्लैट दिए हैं भाई? जो अदर स्टेट से नौकरी यहाँ पाए वो कौन सा फ्लैट लिखा दिए? अदर स्टेट से जो आ गए, करिए कॉम्पिटिशन, करिए कॉम्पिटिशन। जनसंख्या के मामले में चाइना को भी टपकाया है, इंडिया नंबर 1 पे आया है। आज अगर एक लड़का अगर जितने एक मिनट नहीं आज एक लड़का 125 करोड़ मिल रहा है, यहाँ गया में मंदिर के विकास के लिए 4 करोड़ मिल रहा है, फिर है फिर है फिर है जब आप नहीं केंद्र से पैसा पास होता है। अगर नहीं सुनिए सुनिए, केंद्र 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 अगर हिसाब मांगता है स्टेट से, स्टेट अगर यदि पैसा का हिसाब नहीं, बेफिजुल का पैसा आता है, मोदिया घर से पैसा देगा आपको? 300 करोड़ पास हुआ, कहाँ कहाँ हिसाब दीजिए, मांग ले तो हम गलत, हम तो सब स्टेट है। अभी पश्चिम बंगाल में जाके देखिए, जितना कल कारखाना था सब बंद हो रहा है, बिहार में कहीं मिल सब चीनी मिल वगैरह बंद कर दिया है। आपका तो राज इतना दिन किए हैं आप, 5 साल चला है, एक मिनट नहीं बात सुनिए, 5 साल आप शासन किए, आपका क्या था ना? ये जन रैली करना था ना करना था, पहले आपको कल कारखाना खुलवाना था, जनता को रोजगार मिलता, युवाओं को रोजगार मिलता, जैसा जिसका क्वालिफिकेशन वैसा उसको नौकरी। हाँ शिवाजी दा बॉस देखे ना, जैसा प्राइवेट गवर्नमेंट चला के दिया था, हकीकत क्या कह रहे भैया? सबसे कम भ्रष्ट मतलब राज्य कौन सा है? सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन सा है? बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी है, बताओ। सबसे कम भ्रष्ट राज कोई नहीं है, पश्चिम बंगाल जरूरी नहीं है, कौन बोला सबसे कम भ्रष्ट है? बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है भ्रष्ट, हम भी पश्चिम बंगाल से है। आज देखिए एक एक मंत्री TMC का, किसी के पास 50 करोड़ 200 करोड़, ये क्या बोले हम, मुंह से कुछ निकल जाएगा। एक पंचायत सचिव होता उसके पास 200 करोड़ का संपत्ति निकला, हम पश्चिम बंगाल से अभी उतरे हैं, कौन बात करता है, कौन बात करता है? बीजेपी के बीजेपी टाइम पर निकला रिपोर्ट, इधर आइए। रात सिंगूर प्लांट नाम सुने होंगे, टाटा नंदीग्राम सुने हैं ना, रातों रात का है, गुजरात से उस टाइम मुख्यमंत्री था ना अपना मोदी जी, रातों रात शिफ्ट कर दिया, रोजगार मिला ना, 11,000 एकड़ जमीन दिया। दीदी क्या किया, होते तो वो ना भगा दिया, किसका गलती हुआ, किसका नुकसान हुआ? अभी देखिए, और उसका एक मेंबर क्या नाम है, हाँ एकदम पार्थो चटर्जी जो अभी जेल में बड़ा, महुआ मित्रों आप मीडिया से हैं, आप एक कंपनी के ओनर हैं, CEO है, तो वो क्या करती थी कि आपको 20 करोड़ रुपया देंगे आप पार्लियामेंट में ये सवाल करिए, तो घूसे लेके ना पार्लियामेंट में बोमा बोम करना है, सदन चलने दीजिएगा तब ना तरक्की होगा, सदन चलने ही नहीं देता विपक्षी दल, भटोराबाजी करता है वहां पर। इंडिया एयरलाइंस कहे के इंडिया एयरलाइंस, एक अकेला सब पे भारी पड़ा है, कौन बोल देता 100 गज चल लिया एक देश का अर्थनीति गिर गया। माल अभी मालदीप का कंडीशन देखिए, हवाबाजी नहीं होता है, हवाबाजी नहीं होता है, सुनो आपका टैक्स हमारा टैक्स, फैक्ट बताएंगे, फैक्ट सुनो मेरी बात, फैक्ट नहीं 2019 से 4 गुना स्विस बैंक में इंक्रीज हुआ है, किसका हुआ है? कांग्रेस का हुआ है। 2019 के बाद स्विस बैंक, किसका इंक्रीज हुआ है? स्विस बैंक में इंडिया का पैसा वहाँ इंक्रीजमेंट हुआ है, किसका पैसा है, किसका पैसा इंक्रीज, किसका पैसा है, कौन वही तो पूछ रहे हैं भाई, पूछ रहे किसका इंक्रीज हुआ, किसका हुआ, किसका पैसा? 70 साल में कांग्रेस इंक्रीज वहाँ किया, तो आप सरकार में तो आप किए वहाँ 4 गुना, और क्या आप 70 बोल दिए, मान लेंगे,
मानेंगे हम? 15 साल और 70 साल कैसे नहीं मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे? भैया अच्छा तो सुन जाओ, एक क्वेश्चन अनिल इन्हीं से बात करें ना। 70 साल में कहाँ से आया? पूछो मैडम, पूछिए कहाँ से आया? कहाँ से आया? यूपी से, अयोध्या से। अयोध्या से एग्जाम देने? हाँ, कल जाएगा, 3 मार्च में जाएगा रैली में। यूपी से यार रुकेगा, 3 मार्च में जाएगा तेजस्वी की रैली में जाएगा। हाँ, 70 साल में कितने लाख करोड़ घाटा में थी इंडिया बताओ? उसके बाद अब का बताना, कितने लाख करोड़ घाटा में इंडिया बताओ? कितना कर्ज है? कितना कर्ज है? कर्ज है ना, कर्ज है ना। 70 साल में 50 लाख करोड़ का घाटा था कांग्रेस के टाइम। अच्छा। इस टाइम में 205 करोड़, मतलब 155 करोड़ घाटा है। ये लाद दिए नेशनल बैंक के पास, नेशनल बैंक से घाटा में हो गई। घाटा किस लिए जाता? एक बात जरा सा हमको भी बोल लेंगे, घाटा किस लिए होता? अच्छा एक बात बोल लेंगे, सुनिए सुनिए भाई सुनिए, जवाब दीजिए। मोदी जो, ये गलत बात है, मंदिर बना दिए। मंदिर कोई केंद्र के पैसे से नहीं बना है, जनता के पैसे से बना है। हम पूछते हैं मैडम कि मोदी जो दूसरे के पार्टी का विधायक को खरीद रहा है, पैसा कहाँ से ला रहा है, उसका कोई जवाब दे। और उस पर ईडी क्यों नहीं निकलता है? मोदी जो विधायक को खरीद रहा है, उप रुपया कहाँ से ला रहा है? कहाँ से ला रहा है बताइए? बिना पैसा का जा रहा है, 70 साल रहा, सब कहते बहुत बड़ा घोटाला किया, ठीक है? मोदी घोटाला नहीं है। बीजेपी जो है इतना छोटे कम दिनों में सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई? कहीं से लाई थी क्या? कहीं से लाई हो? 70 साल में अगर कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बनाते हैं, उससे बड़ी पार्टी तो जो भी इधर आ गया बीजेपी हो गई। कैसे हो गई बताओ? इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, कहाँ किस दुनिया में रुपया ला रहा है बताइए? 44 साल से 1984 में गठन हुआ था भाजपा। कितना बड़ा थी पार्टी, कितनी बड़ी। सुनो, जिस दिन कोरोना काल में, कोरोना काल सब कुछ बिहार के लिए, कोरोना काल में पूरी दुनिया बिहार के लिए क्या किया, क्या किया, क्या किया बिहार के लिए? सुनिए, बिहार में करने दीजिए, तब आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अब आपसे पूछते हैं, मोदी जो विधायक खरीद रहा है दूसरे पार्टी का, वो कहाँ से रुपया ला रहा है? गठबंधन में कहा है, उसका जवाब आप दीजिए। एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से सब आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहा है बताइए। पार्टी वाले ही कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई जाएगा? मोदी बोला पूर्ण बंडल देखता है तब जाता है, समझ गए? रैली हो रही है, आ रहे हैं, मोदी भी आ रहे हैं, अभी तक तो मोदी नहीं दिखे, आज पहली बार मोदी आ रहे हैं। 20 साल पहले मेरा बात सुनो, 20 साल पहले मेरा, 20 साल पहले मेरा उम्र कितना था? 5 साल होगा। अभी मेरे को खाने का जरूरत है कि 20 साल पहले खाने की जरूरत? हमको वो बता दीजिए, अभी खाने की जरूरत है ना भाई? तब बिहार में 39 सांसद दिया है, बिहार 39 सांसद बीजेपी का 39 सांसद गया ना दिल्ली में भाई, तब मेरे बिहार के लिए 39 सांसद क्या किया है बताओ ना? कौन लालू यादव? लालू यादव चलने देते हैं आप लोग? कौन नहीं यादव? अरे भाई जब केंद्र की बात कर रहे हैं, अगर यदि हमारा 39 को सांसद हमारा बिहार के लिए क्या किया है वो? सदन चलने दीजिएगा तब न चलेगा, कैसे नहीं सदन चलने देते हैं? अभी इंडिया अलायंस घुसा है, केंद्र के बात के नहीं, नहीं नहीं आता, नहीं जानिए, नहीं बोलिए 39 किसके बारे में बोलिए ना। मोदी जी तो बोले हैं कि इस बार 400 पार। अरे भाई सब पार हो जाए, 544 जितना सिरे सब पार हो जाए, उससे मतलब नहीं है। आप सोच लीजिए, बिहार में एमपी में चुनाव हुआ था, एमपी में चुनाव जिस विधायक को लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, वो अपना वोट नहीं देगा? देगा ना, लेकिन उसका भी एक भी वोट नहीं लगा था, जीरो किया था। कैसे भैया बोलने का, कुछ भी कहेगा कि 400 पार जितना सब पार है, लेकिन बिहार पीएम आप पता होगा कोरोना काल में पीएम केयर फंड आप लोगों ने सुना होगा, सबने भर भर के पैसा दिया, वो पैसा कहाँ गया बता दे कोई? कहाँ गया पैसा? जितने भी बीजेपी वाले बहुत चिल्ला रहे हैं, बता दे 1 रुपए कहाँ गया वो पैसा पीएम केयर? और पता है इस समय अगर कुमार विश्वास ने पूछा था, 2 लाख रुपए वो भी दिए थे, बोले भैया कहाँ गया? बोले भैया आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं, बताओ पैसा हम दे, अब पूछे ना, बताइए कहाँ गया? जिस समय कोरोना काल में, जिस समय कोरोना काल अमित शाह के बिहार में बना हुआ है, हमको बता दीजिए, कोरोना काल जब चल रहा था पूरे कंपनियां जो है घाटे में चल रही थी, अमित शाह का बेटा जैसा जो है 70 गुना जो है फायदे में गया था, कहाँ से गया था? और पढ़े लिखे ना कुछ, जैसा बना दी थी बीसीआई से अध्यक्ष बनाए, कहाँ से बन गया? कई मैच खेले थे बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, तो कई मैच खेले थे बताए? कोई हमारे कहने का मतलब बिहार के लिए कोई भी 39 को भेजे ना, तो क्या किया मेरे बिहार? एम्स दिया है बिहार में, बता दे कोई इतना कि हाँ एम्स दिया है बीजेपी सरकार? हम लोग यूपी से हैं, जौनपुर से हैं, आप सोच ले पेपर देने के लिए बिहार आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? क्योंकि तेजस्वी यादव ने नौकरियां यूपी वाले को बहुत दिया है, 40,000 मास्टर में बहाली है, 2,25,000 है,
आ तो रहा तो हम लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे आने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात है चीनी मिल था कितना चालू करवाया हमको बता दीजिए कि हाँ इतना चालू करवाया की बात है जो बस सुन लो बस हाँ 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 जितने अंधभक्त हैं जिसको देखो हम कहते हैं भक्त बनो किसी का भक्त बनो लेकिन अंधभक्त मत बनो खुली आंखों से देखो क्या सही है क्या गलत है ऐसा नहीं होता है बस हाँ बस है मोदी है खुश नहीं कैसे कैसे बताइए ये इतने दिन बाद तो खींचते खींचते हम लोग लाए कैसे चुनाव हो जाए हम लोग का परीक्षा हो जाए जैसे ही परीक्षा हुआ उधर लीक हो गया और जो जो चिल्ला रहा है उसको एक चीज मिल रहा है फायदे वाली चीज बताएं लाठी सबसे तगड़ी चीज आप जाओ धरने पे उधर से लाठी मार के खेत दी और आरओ का सोचो इतना बड़ा लीक हुआ है आरओ का नहीं कैंसिल कर रहे हैं जो वही कैंसिल कर रहे हैं बस जो यूपीपी का दिखा दें हाँ कैंसिल आरओ में कितनी बड़ी धांधली हुई कितना सबको पता है कितना घाटे वो किया है चोरी कर रहे हैं लोग लाठी तो यहाँ भी पड़ जाती है अरे लाठी पड़ जाएगी ऐसे थोड़ी पड़ जाती है लेकिन रोजगार मिल रहा है ना वैकेंसियां भर रही है ना हमारे ये नहीं आप सोचो युवाओं को कितना यूपी वाले बहुत लोग हुए हैं यहाँ पे मास्टर में चुनाव हुआ है मास्टर में यहाँ मिला है किसको पसंद करते हो बाबू तेजस्वी यादव या नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव को जानते हो लालू यादव लालू यादव को जानते हैं तो उन्हीं का बेटा है ना तेजस्वी यादव उनका बेटा नहीं है अरे लड़का है अब सोच लो इतना रोजगार मिल रहा है योगी के राज में तब भी सब इजराइल जा रहे हैं सोच लो इतना रोजगार दे रहे हैं फिर भी इजराइल जा रहे हैं यहाँ से आज जब जानते हो ये जब अंग्रेज से एक जमाना ऐसा था यही बिहार से अंग्रेज के शासन में जो है बाहर गए थे आउट ऑफ इंडिया बाहर गए थे सिर्फ रोजगार के लिए यही श्रमिक और दूसरी बार ऐसा है कि जो यहाँ से योगी जी भेज रहे हैं इजराइल कि जाओ वहाँ कमाई होगा यहाँ नहीं है कुछ आप सोच लो अगर होता यहाँ रोजगार होता तो वहाँ क्यों भेजते कोई बता दे क्यों भेज रहे हैं विदेशी यहाँ नहीं आते हैं भारत में नहीं आते हैं रोजगार के लिए श्रमिक भेजेंगे श्रमिक आते हैं टहलने आते हैं नौकरी करने नहीं आते ऐसे चलिए हम आपको 1000 1000 अब जाके फॉरेन में इंडिया का दबदबा है आज इजराइल जहाँ पे रोज बम चल रहा है वहाँ पे ऐसे बता रहे हो 1000 विदेशी हम आपको दिखा देंगे आप लोग क्यों बहस कर रहे हो यार इसमें कुछ डिस्कशन कर सकते हैं बहस करने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है और सबसे ज्यादा गारंटी पे भरोसा है आपको भाई जो भी पब्लिक के लिए काम करे वो सही है बाकी विकास काम करेंगे तो हुआ तो कुछ नहीं है वैसे खास भी जो मेरा भारत विश्व गुरु भारत फिर से बने मेरा भारत विश्व गुरु भारत फिर से बने मेरा भारत फिर से अखंड भारत बने हम लोग का यही इरादा है कैसे विश्व गुरु बनेगा विश्व गुरु कैसे बनेगा विश्व गुरु कैसे बनेगा अभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर उठा के देखिए कैसे आर्थिक आप अंतरराष्ट्रीय गए हैं कितना नीचे गए हैं अच्छा चीज विश्व गुरु कितने देश मिला के बनते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी देख रहे हैं भारत का मान सम्मान देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत इकोनॉमी में कौन से नंबर पे बता तू बता पहले अभी अमेरिका तुम बता यो जो तुम कह रहे इजराइल जा रहे योगी ने फॉर्म भरवाए इजराइल जाओ योगी ने भरवाएगा फॉर्म अच्छा तो कहाँ से जा रहे अगर अमाउंट मिल रहा कैसे तू एग्जाम देना आया हाँ, हाँ, कहाँ का यूपी का हाँ, योगी ने कहा तेरे से यहाँ तू एग्जाम देना है भाई बिहार में रोजगार मिलेगा वहीं तो जाएंगे तो रोजगार अच्छी बात है बुरी बात है तू बता रोजगार अच्छी बात है बुरी बात है मोदी की बात अरे वो भी तो वही चीज बोल रहे हैं जहाँ रोजगार मिलेगी वहाँ हाँ तो जाना चाहिए ना तो अब एक बार बताओ इतनी जनसंख्या है क्या घर घर से लाके योगी नो कहेगा मैं तुम्हें रोजगार दे रहा अरे भैया लेकिन वैकेंसी तो निकालो लीक तो मत अच्छा लीक तो सबके में होती है किसके में लीक नहीं हुई किसके में बिहार में देख लो हो रहा है यूपी पुलिस को पेपर देने से पहले ही बट गए हैं बिहार में यूपी वो बिहार पुलिस का कहीं दिखा कहीं दिखा जब दिखाने जब तो कैंसिल नहीं हुआ वहाँ दिखा वहाँ कैंसिल हो गया वहाँ है क्या कौन सी ऐसा नहीं है अच्छा भाजपा से कौन सी सरकार ने पेपर कैंसिल कराया था वीडियो 2018 बीजेपी ने कैंसिल कराया था अखिलेश यादव की सरकार का पेपर बताइए हम जो चीजें बीत गई जो सरकार अच्छा था सरकार हम क्यों चुनते हैं अगर अच्छी चीजों के लिए चुनते हैं ना अगर एक मिनट रुक जाओ अगर सरकार में बुराइयां होती है तभी तो हम सरकार चेंज करते हैं अगर पिछले वाली सरकार के लिए तुम भी करोगे तुम्हारे उसमें अंतर क्या फिर रह गया मैं बता रहा
वीडियो का अगर अखिलेश कैंसिल करता जब हाँ। तो तू बोलता है योगी ने क्या कैंसिल कर दिया वो। हम आपका देखे ना यार, आपके पिछले का देखे, अगर पिछला का सही होता कर तो दिया उन्होंने, कोई ज्वाइनिंग तो नहीं दी। आरो हुआ यार उसमें तुम साक्षात हो जाएगा अगर वो कैंसिल ना हो। साक्षात तुम्हारे पास दिखा फोन दिखाना, लाइव चल रहा तू साक्ष्य दिखा। हाँ दिखाना जो वाला साक्ष्य आपके पास। हाँ है जब तो कैंसिल दोबारा एग्जाम हो, दोबारा एग्जाम नहीं हो गया। एक बात बता तो तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो फिर योगी की बात। यूपी से, यूपी से तुम क्यों बोल रहे हो योगी के बारे में, तो तुम क्यों बोल रहे हो फिर योगी के बारे में।